नमस्कार दोस्तों, फरवरी के महीने में हमारे देश की संसद में हमारे राष्ट्र का बजट, वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके बारे में थोड़ी सी दिलचस्प जानकारियां हैं, आपस में बांट लेनी चाहिए। हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को दोहराने में मज़ा आता है। कम से कम नई पीढ़ी जो है वो हमसे इन्हीं सूचनाओं के आधार पर थोड़ा सा जुड़ती भी है। ये बजट जो है, ये भी मित्रों कोई एक ऐसी कवायद है जिसमें बहुत सारी परंपराएं, प्यारी प्यारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। मसलन एक हलवा का प्रकरण होता है कि जिस दिन बजट पूरा हो जाता है, उस दिन वित्त मंत्री जो भी है अपने हाथों से हलवा तैयार करते हैं। और हलवा में तैयार तो क्या करना होता है, हलवा में एक कलछी अपने हाथ से भी फेर देते हैं और उसके बाद वो हलवा स्टाफ में बांटा जाता है। तो इसे हलवा की रस्म, ये भी रस्म 1948-49 में शुरू हुई थी और ये अब तक बकायदा आबाद गति से जारी है। और पहले ये परंपरा थी कि बजट की जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स से अक्सर एक ब्रीफ केस में वित्त मंत्री सदन में लेकर आया करते थे। लेकिन सीतारमन जो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं, इन्होंने एक थोड़ा सा बदलाव इसमें किया है कि पिछली बार एक बही खाता वो भी साथ लाई। बही खाता प्रतीक है, ये नहीं है कि उसमें बही खाते में सारा कुछ दर्ज होता है, एक प्रतीक है। उसको बांधकर ब्रीफ केस के स्थान पर एक बही खाते को, लाल सारी लाल किताब को बांधकर सदन में एक नए रूप में आने की जो कवायद है, उसका मकसद भी यही है कि थोड़ी सी नवीनता तो हो, कुछ नयापन तो नजर आए, ये जरूरी होता है। और सब एक इसमें जो दिलचस्प बात यह होती है कि जब बजट तैयार होता है तो उन दिनों में वित्त मंत्रालय में, उसका जो केंद्रीय कार्यालय है वित्त मंत्री का, वहाँ स्टाफ के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए बाहर जाना मना हो जाता है। उनके लिए खाना पीना, रहना सोना नहाना सब कुछ वहीं होता है और किसी को भी अपने साथ को मोबाइल फोन रखने की भी अनुमति नहीं होती। और ये भी कह दिया जाता है कि यदि आपके घर से कोई दुख सुख का समाचार हो तो वो फोन पर, लैंडलाइन के फोन पर ऑफिस की जो रिसेप्शन वाली जो सीट है वहाँ पर रिसीव होगा और उसके बाद जो चीज़ आपको बताना ज़रूरी होगा वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन आप सीधे रूप में फ़ोन पर भी संपर्क नहीं रख पाएंगे अपने घर वालों से, अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से, बिल्कुल कट कर। मकसद एक ही कि बजट का कोई भी अंश कहीं भी लीक ना हो, कहीं भी वो उसके सुराग किसी को ना मिल सके, क्योंकि अतीत में बहुत सारे वित्त मंत्रियों पर आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने या उनके परिवार ने या उनकी संतान ने कहीं बजट के कुछ अंश वो लीक कर दिए समय से पहले और उसका फायदा कुछ व्यापारिक संस्थानों ने उठा लिया। तो ऐसे एक प्रकार से माहौल बीच में बनता रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। वैसे थोड़ा सा आपको याद करा दूँ, कुछ नाम ही आपको भूल जाते हैं, मुझे भी भूल जाते हैं, स्वाभाविक है आपको भी भूल जाएं, कि देश का पहला अंतरिम बजट आया था तो उसमें एक हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के वो सदस्य भी थे और उनका नाम था प्रोफेसर पी सी महालनोबिस। तो पी सी महालनोबिस ने, बीस भी कहते हैं कुछ, बीस भी कहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अंतरिम बजट जो है उसका स्वरूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद नियमित रूप से देश के वित्त मंत्री जो हैं वो प्रस्तुत करते रहे। वैसे वित्त मंत्री के रूप में हमारा जो पहला बजट था, राष्ट्रीय बजट, वो हमारे पहले वित्त मंत्री ये थे आर के शनमुखानंद। इन्होंने सबसे पहले बजट ये 1947 में ही प्रस्तुत किया गया था विभाजन के तत्काल बाद और तारीख थी शायद 26 नवंबर 1947 को देश के एक वित्त मंत्री ने, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। उसके बाद कुछ ऐसे अवसर भी आए जब प्रधानमंत्री भी प्रस्तुत करने लगे बजट, और ऐसे अवसर तब आए जब प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा हुआ था। और ऐसे शख्सियतों में पंडित नेहरू भी थे,
उन्होंने 1958 में बजट पेश किया था, और वो इसलिए बजट उनको पेश करना पड़ा प्रधानमंत्री को कि उस समय जो वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णमाचारी, ये टीटी कृष्णमाचारी वही हैं जिनके टीटी के फार्मास्यूटिकल आदि को भी आप जानते हैं, टीटी के ब्रेड भी हुआ करते थे, उनकी कंपनी बनाया करती थी उनके नाम से ही। तो टीटी कृष्णमाचारी ने रिजाइन कर दिया था किसी विवाद में, उसको विवाद से दूर रहने के लिए, दूर रहने के मकसद से, और उस बार ये हुआ था कि स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था 1958 में। और उसके बाद एक अवसर ऐसा भी आया जब श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में बजट पेश करना पड़ा था, वो इसलिए कि तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो मोरारजी देसाई, उन्होंने किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। दो बार जब प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया, और उसके बाद तीसरी बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी एक बार किया, वो भी इसलिए कि तब बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री भी बने थे, वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने किसी मुद्दे को लेकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, और तब ये राजीव गांधी को प्रस्तुत करना पड़ा था। सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने की जो परंपरा है या कीर्तिमान है वो मोरारजी देसाई के नाम पे है। इन्होंने 10 बार निरंतर तो नहीं, बीच में व्यवधान भी आए, लेकिन 10 बार इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट, सरकार का बजट जो है वो प्रस्तुत किया। दूसरे स्थान पर आते हैं चिदंबरम, पीसी चिदंबरम। चिदंबरम साहब ने भी 9 बार बजट पेश किया, 10 बार मोरारजी भाई ने और 9 बार चिदंबरम ने। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो देश के बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने भी वित्त मंत्री के रूप में 8 बार बजट प्रस्तुत किया। ये अपने आप में तीनों का एक रिकॉर्ड है। और बाकी हलवे की बात मैंने आपसे बांटी ली, और उसके बाद ये नॉर्थ ब्लॉक में जो एक ब्लॉक किया जाता है सारे स्टाफ को, वो भी आपसे बांट ली। तो मित्रों, ये अपने आप में एक दिलचस्प कवायद होती है, और इस कवायद के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। धन्यवाद।